सुंदर लग रही है। कटिंग कराने के बाद? नहीं। फिर तो वैसे ही सुंदर है। मैंने भी कटवा ली। अच्छा, आपको कम पे देने के लिए मेरे जैसे। अच्छा काट दूंगी मैं इसको। पांच में 8 स्टार दे दिए कोमल। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मैं बहुत ऐसे आज ना ऐसा है जल्दी उठी हूँ, तो एक तो मैं बहुत देर तक ऐसे बैठी थी कि मैं जल्दी उठी हूँ तो नींद दी है, तो 2 दिन से मैं 8:30 बजे उठी थी, तो अब मैं उठी 6:30, तो बहुत देर में बैठी थी। फिर मैंने बाहर देखा तो बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, एकदम बारिश वाला बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है, इसीलिए आज मुझे बहुत भूख लग रही है क्योंकि मैंने कल फास्ट किया था, तो मैं आज उठते ही खाऊंगी। और अभी जाएंगे मेरे हस्बैंड, तो मैं आपको दिखाती हूँ, करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आंटी नमस्ते। नहीं आई है बारिश, इतना दर्द हो रहा है पैर में। हाँ बाय। आ गया, कितना अच्छा मुंह बनाया आपने, सब आ गया। फोन दे जाओ मेरा मोर। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, बारिश ना आ जाए पहुँचने से पहले। बाय। वॉच कब पहनी? बना रही है भिंडी बनाएंगे आज, और रात को बनाऊंगी एक नई सब्जी, मैंने सोच तो रखी है, अब देखते हैं आता है नहीं तो। ये तो मैंने पहले भी शेयर की होगी, मैं बना लेती हूँ फटाफट सब्जी और फिर दिखाती हूँ, बाहर बारिश अगर हुई तो पक्का। ओके, सो मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने पहना है ये अपना इतना प्यारा पिंक, मेरी चप्पल के साथ तो चद्दर साथ मैच हो गया, इसका शरारा बहुत अच्छा है, ऐसे यूनिक सा कट में, ये मुझे एक ब्रांड से आया था, फिर शायद मैंने कोलैब के बाद ये कभी नहीं पहना या एक बार पहना होगा, तो मैंने ये आज पहना क्योंकि इसका दुपट्टा बहुत ना ऐसे खड़ा खड़ा है, तो मैं काम नहीं कर पाती इसको पहन के, इसीलिए सारा रूम साफ है, मैंने सब हटा दिया कल, मैं घर से लाई थी हर चीज़, बस ये बाकी है, ये मैं वॉश करने के लिए रखा हुआ है मैंने। और मैंने रेड बिंदी लगाई आज, मतलब मैं अपनी मम्मी की लाई थी कल घर से, तो मैंने आज वही लगा ली। अब मेरा मन नहीं रहेगा 1-2 दिन ऐसे मैं आई हूँ ना, तो क्योंकि वो हो जाता है 1-2 दिन तक ऐसा रहेगा, मम्मी की याद आती रहेगी, फिर दोबारा कहीं नॉर्मल होंगी मैं। आज तो मुझे सुबह ही उठते ही मैं वहाँ जाती पार्क में, और अब मैं उठते ही आज किचन में हूँ यार। बहुत याद आती है सच में, बहुत ज़्यादा मुझे याद आती है, पर मैं बताती भी नहीं है, मतलब मैं तो सिर्फ वीडियो में बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को भी नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती मैं क्या कमी रख रहा हूँ जो तुझे याद आती है, पर होता ही है यार पता नहीं क्यों। चलो थोड़ा सा अलग हेयर स्टाइल लग रहा होगा ना, चलते हैं किचन में और बताते क्या बनाया। वैसे मैंने भिंडी बनाई थी, मैंने आप लोगों को बता दिया था, शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हो, तो ये रही भिंडी। मम्मी चली गई है, चश्मा भूल गई क्या आज अपना? भूल गई लगता है मम्मी। पहले मुझे आता था भिंडी, अब मैं इतना मस्त बनाती हूँ भिंडी, मुझे लगता है कि मैंने बढ़िया, मतलब मुझे चेहरा देख के लग जाता है कि हाँ मैंने कुछ बना दिया है। और अब खाना बनेगा, आटा वाटा सब रेडी है, ठीक है फिर मिलूँगी मैं, काम कर लेती हूँ। आइए का पराठा बना रही हूँ क्योंकि मेरा कल फास्ट हो, मुझे अभी खाना खाना है, मुझे बहुत भूख है, मेरे हस्बैंड आज खाएंगे नहीं, उनके स्कूल में पार्टी है, और देखो मैंने क्या बनाया। क्या गंदी शेप बनाई है मैंने भाई, ये गोल ही नहीं हुआ, सारा फट गया यहाँ यहाँ से, फिर शायद मैंने बड़ी बड़ी काट ली कुछ ज़्यादा ही, इसलिए मैं मुझे जैसा भी है वैसा बनाया, तो मैंने एक ही बना लिया, एक वो 2 बनाऊँगी अपने लिए। ओके, सो ऑल क्लियर, सब साफ एवं सुथरा, अरे आ रही आज इसको हो गया है, और मैंने अपने लिए बना लिए 2 पराठे, दही, एक कल बची थी आलू की सब्जी, और अभी बनाई भिंडी क्योंकि मैं लंच नहीं करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, सब बढ़िया से जाके अपना सब अच्छा मैंने जीरा नमक डाला ही नहीं, कर लेते हैं लंच। हाँ अब आया ना कलर, अब चलते हैं बढ़िया से, मैंने मिर्च का अचार लिया, नींबू का नहीं लिया क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है मिर्च। चलो मैं फटाफट अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर मैं अपना, देखो मेरा हाल देखो, मैं कुछ काम करूँगी।
पर आज 3:10 है और अब आया मेरे हस्बैंड इतना लेट। और मैंने कहा था ना आज पार्टी है इनके स्कूल में, तो उन्होंने सुबह खाया था और मैंने भी सुबह सुबह खाए थे, फिर कुलचे की एक प्लेट लेके आए हैं अपने और मेरे लिए, क्योंकि एक प्लेट बहुत रहेगी तो मैं फटाफट, क्योंकि इनको पसंद नहीं है कुलचे बिल्कुल भी, कभी नहीं खाते, कभी बोल मैं बोल जो तो बोलते हैं मैदा है ये है वो है, बट आज पता नहीं इनका कैसे मन कर गया। मैंने इनको बोला, बोले भटूरे लाओ, मैं कुलचे, मैं नहीं कुलचे ले आना, तो मैं कुलचे डाल देती हूँ। और ये आ गया हमारा खाना, और इसमें देखो पता है क्या है, वैसे ना जब छोले कुलचे होते तो वो ना टमाटर प्याज डालते हैं और वो बहुत सूखे होते हैं, बट ये गिले गिले से। जनकपुरी से लाया या द्वारका से? जनकपुरी से या द्वारका से? जनकपुरी से लाया। ड्रेसों बिच सारिया सूट बिच कल मैं देख यार क्या यार क्या काम काम में लगे हो आज, आप 3 बज गए सुबह से काम करते करते, पता नहीं क्या है यार, बोल रहे थे आज पार्टी है खाऊंगा सुबह खा के, तब से काम कर दे, 3 बज गए सुबह से। सही रहा मैंने भी आज पराठे खा लिए, वरना तो मैं मर जाती भूखी। कैसे लग रही हूँ मैं, कितनी बाल कटिंग के बाद मैं अलग लग रही हूँ, मम्मी बोल रही है पराई पराई लग रही है, ऐसा लग नहीं रही क्योंकि अपने घर के, ऐसा लग रहा दूसरे घर का कोई आके बैठा है। आपको भी मम्मी, इनको नहीं लग रहा, मम्मी को लग रहा है कि मैं पराई पराई हूँ। ओप मम्मी क्या बोलती, मम्मी बोल रही थी पराई या ओपरी ओपरी बोल रही थी मम्मी के, ऐसे किसी और घर में से का है, अपने घर का नहीं लग रहा। ड्रेसा विच सा खा लो भाई खा लो, आ जाओ जी। सो वेलकम बैक, हो गई है शाम और ये जा रहे हैं अपने जिम में। यार मुझे भी लेके चलो ना कभी, चल ऐसे फ्री फ्रेंड थोड़ी ना जिम करने के लिए। हाँ चल, गांव में जाना मुझे बाहर, गांव में जाना मुझे बाहर, तो बाहर ले चलती बाहर जीते नजफगढ़। तो आज हम बना रहे हैं एक नई डिश, जिसके लिए मैंने आज व्लॉग स्टार्ट किया है, बस सुबह से बोल रही हूँ आज कुछ बनाएंगे स्पेशल, आज कुछ बनाएंगे स्पेशल। सो आज मैं बना रही हूँ डोसा, आप बताओ क्या बना सकती हूँ, डोसा पाव भाजी या फिर भटूरे? कुछ भी ना, एक बताओ ना क्या बना सकते हो, डोसा पाव भाजी या भटूरा? यार ऐसे मत बोलो, मैं एक बना रही हूँ। हाँ आता तो कुछ नहीं, पर आपको पता नहीं मैं फर्स्ट टाइम सब आप पे ट्राई करती हूँ। तो आज हम बना रहे हैं क्या, पाव भाजी। मेरे दिमाग की भी बनाएगा तो भाजी, सच में मैं पाव भाजी बना रही हूँ आज। अरे तो चल लेने बना के दिखा दूंगा, आप तब जिम से आओगे तब मेरी आधी बन चुकी पाएगी। आधी क्या, आधा पाव है आधी भाजी? भाजी तो हम भाव भाव भाजी बना, इनको विश्वास, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि मैं बना रही हूं? तो भाव भाजी बना ली ना, मैं हाथ तोड़ दूं, आपको विश्वास क्यों नहीं हो रहा कि मैं बना सकती हूं? क्योंकि नहीं बना सकते हैं तो इसलिए बना सकती हूं, इतनी बढ़िया मौसम हो रहा बारिश का तेरे शहर में। सुनो सुनो सुबह से ही मौसम में बारिश, खबर अब तक तो आई नहीं, मुझे था कि शाम को आएगी, शाम को आएगी, बट शाम को भी अब तो देखते हैं, मौसम हो तो रहा है, हवा भी चल रही है बढ़िया। ऐसे नहीं टूटेगा, ऐसे नहीं टूटेगा। पाप मम्मी गए पाव लेने के लिए, मैं चलती हूँ किचन में और स्टार्ट। इनको तो विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है मैंने आज तक बनाया नहीं, मैंने बोला नहीं, सोचा नहीं बनाने के लिए, ऊपर जाती घूमने तो फिर टाइम ख़राब हो जाएगा सारा, इसीलिए अब नीचे ही रहूँ। और अब ना सब्जी वब्जी बनाना स्टार्ट करता है। तो ये आ गया बहुत सारा समय पापा मम्मी लेके आए हैं, ये आ गई है पाव और आंबी, मैंने वैसे मैंने बोला था मैं आंबी का मन था बनाने का, मैं घर देख के आया था, मम्मी आंबी ले आई है, मैंने बोल दी थी आंबी के लिए। और एक गोभी, 3 गाजर, ये लाई है मम्मी पुदीना, और ये सारी है इसमें पाव। मैंने 7 पैकेट मंगवाए क्योंकि हम खा लेते हैं सब, और जो बचेगा मैं कुछ और बना दूँगी उसका, इसीलिए तो ये सब आ चुका है। अभी मैं फटाफट खाना बनाना शुरू करती हूँ और आप लोगों को दिखाऊंगी।
ओके गाइस, तो ये सारी सब्जी आपको लेने, देखो आलू तो चाहिए, पाव भाजी में हमेशा चाहिए ही होता है, ठीक है। आलू, मटर, गोभी और गाजर, तो ये चार चीज़ें चाहिए। अगर चकुंदर लेना तो ले लेना, कलर के लिए उससे ना रेड रेड कलर आता है एक चकुंदर से, तो वो एक या आधा बहुत है, लेकिन मुझे ऐसे कलर का कोई था नहीं, तो मुझे ये था कि भाई चार सब्जियां बहुत है, तो इन चारों को मैं काट के अच्छे से और उबालेंगे, सीटी लगाएंगे। तो मैं इनको फटाफट काटती हूँ और इसमें रख के वॉश करके पहले सीटियाँ लगाएंगे इन सब पे। तो सारी सब्जी चॉप हो गई है, मटर, आलू, गाजर और गोभी सब कुछ चॉप कर लिया है। अब अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है, इसमें इसको हम चढ़ाएंगे कुकर में। कुकर को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया है, तो जितना इसमें ना सब्जी होगी उसको हाफ ढकना है पानी से, ठीक है। मैं डाल देती हूँ, भाई वह मुझसे डलेगी नहीं हाथ से, तो ये है, अब डालते हैं पानी, ठीक है। इसमें डाल देंगे नमक, एक टीस्पून नमक डाल देते हैं और इसमें लगाएंगे चार से पांच सीटी, तब तक ये अच्छे से पक ना जाए। तब तक हमारे कुकर में सीटी आ रही है, हम चॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने तीन टमाटो लिया और चार अनियन, इसमें कैप्सिकम भी लेनी थी आपको एक या दो, बट तब मैं घर से गई तब कैप्सिकम थी, मुझे लगा होगी, मैंने मंगवाई नहीं मम्मी से, बट मम्मी ने सब्जी बना ली, तो आप लोग कैप्सिकम ले लेना, ठीक है। अब मम्मी मार्केट से सामान लेके आ चुकी है, तो अब दोबारा तो नहीं जाएंगे ना कैप्सिकम के लिए, तो मैं तो ऐसे बना रही हूँ आज। तो ये ले लेना, अपने जामुन खाते रहेंगे और काटेंगे, फिर बर्तन बर्तन करेंगे, फिर दिखाती हूँ। ये हो गए हमारे अनियन और टमाटो बहुत पतले पतले, और ये हो गया मेरे हेयर स्टाइल और यहाँ हमारी सब्जी भी बॉयल हो गई है, अच्छे से पक चुके हैं। तो या तो आप ग्राइंडर से कर लो, लेकिन अभी ये गर्म है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ अपना हाथ अजमाऊँ। ये देखो, आप पाव भाजी याद करो, कभी भी आप जानते हो पाव भाजी खाने, कभी भी आपको दिख भी नहीं रहा होगा कि अंदर होता क्या क्या है, वो इतना मैश कर देते हैं ना, इतना ज़्यादा मसाले मैश कर देते, तो मैं भी सब कुछ मैश करूँगी ताकि बिल्कुल भी दिखे ना कि इसमें है क्या, ठीक है। मैंने मैश किया है, थोड़ा बहुत बाद में करूँ, थोड़ा ठंडा हो जाने दो, तब तक मैं बर्तन बर्तन कर देती हूँ सारे, और थोड़ा फैन चला देते हैं, गर्मी के तो बस पूछो मत क्या हाल है। तो थोड़े बर्तन धो लेते तो ठंडा हो जाएगा नहीं, फिर मैं अपना बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब तो देखो येलो है, कुछ मसाले नहीं है, तो ये आपको येलो येलो दिखेगी, तब इसमें हम कश्मीरी लाल मिर्च या चकुंदर डालते ना इस टाइम, तो ये बिल्कुल रेड हो जाती है अभी से ही, बट मैंने चकुंदर मंगवाया नहीं, क्योंकि मैंने अब की बार सोचा कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करूँ, कभी सब कुछ ख़राब हो जाए सारा मंगवाया हुआ, इसलिए अगर अब की बार अच्छा बना तो नेक्स्ट टाइम मैं सब कुछ मंगवा के और भर भर के डालूँगी, ठीक है। तो ये थोड़ा और मैश होगा, गाजर वाजर अभी और होंगी, आलू तो हो जाता है, ठंडा हो जाने दो थोड़ा सा इसको, बर्तन धो लेती हूँ तब तक। ये सब हम स्टार्ट करते सब्जी बनाना, ये मैंने मैश के रख दिया, अभी थोड़ा उसको मैं और करूँगी क्योंकि गर्म है बर्तन बर्तन और के लिए अभी करते। देखो तो दो चीज़ आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप बना रहे हो पाव भाजी तो आपको पाव भाजी मसाला चाहिए, इससे बहुत बड़ा टेस्ट आता है। और पाव भाजी बनाने का मेन रीज़न यही है कि मेरे पास मसाला था, मैं पहले ले आई थी, तो मुझे ये था कि मसाला लाई हूँ तो ट्राई कर लेते हैं। एंड देन मक्खन, मक्खन भी बहुत ज़रूरी है, विदाउट मक्खन पाव भाजी में बहुत ही कम टेस्टी लगती है, इसलिए मक्खन ज़रूर होना चाहिए घर पर। तो दो चीज़ों के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना, आप लोगों को भी दिखाती रहूँगी। पता है कि पाव भाजी नॉर्मल तवे बनती है, बड़ा सा तवा होता है उस पर बनती है, इसलिए मैंने ना प्रेस हैंड निकाला हुआ है। मैं अभी पहले ना इसमें लगा देती हूँ जितना मुझे लगाना है तड़का, उसके बाद सोच रही हूँ मैं कश्मीरी मिर्च डाल के प्रेस हैंड पर लगाऊंगी बाद में सोच रही हूँ मैं। तो फिलहाल जो कढ़ाई में, क्योंकि सारा मिक्सचर प्रेस हैंड पर तो आएगा नहीं, इसलिए कढ़ाई लूँगी पहले, उसके बाद जब खाने का टाइम आएगा ना तब उसमें डाल के पैन में और तड़का लगा दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, फटाफट मक्खन मक्खन छील देती हूँ, स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं गाइस। देखो आपको ना दो चीज़ें डालनी है, बटर का बटर का एक पीस, इसके साथ तो फ्लेवर ज़बरदस्त आएगा, और ऑयल, ठीक है, ऑयल या घी जो भी आप चाहो। तो मैं ऑयल डालती हूँ इसके साथ, नहीं मैं घी डालती हूँ, मुझे लग रहा है घी ज़्यादा टेस्ट बनेगा। तो दोनों चीज़ डलेगी, तब हम वो बनेंगे ना, तभी भी दोनों चीज़ें डलेंगी, बढ़िया सा, कितनी अच्छी खुशबू आती है इसमें। पहले इसमें वैसे भी नमक होता है इस वाले मक्खन में, ठीक है, मक्खन डल गया है। अब डाल देते हैं हम इसमें अपनी अनियन, थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैं इसमें अनियन डाल दूँगी, ठीक है। मतलब आधा बटर लेना है और आधा ही ऑयल लेना है, या फिर अगर आप घी ले जाते हो तो घी लेना है। अब हम प्याज, इसमें ना बहुत कम मसाले चाहिए, बस पाव भाजी होना चाहिए आपके पास, और इसमें बहुत जल्दी बनती है ये, बहुत ज़्यादा जल्दी। और ये डिश आप बताना कि ये इंडियन है या फिर बाहर की है, ठीक है, आप लोग बताना मुझे कमेंट करके, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ये कहाँ की डिश है, सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी सब कुछ। और ये मेरी फेवरेट भी बोली जाती है, अब बिल्कुल हल्का होगा क्योंकि ये सब भी मैश हो जाएगा लास्ट तक,
बिल्कुल हल्के हल्के ब्राउन करके, और फिर हम डालेंगे टमाटर। ओके गाइस, तो इतना नहीं पकाना, ब्राउन नहीं करनी थी, मैं बोलती हूँ 2-3 मिनट ये सॉफ्ट हो गए हल्के हल्के, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना इनको। और ये अब मैं डालती हूँ इसमें टमाटो। इसमें पहले ना, अगर आपका कैप्सिकम है तो पहले डालना शिमला मिर्च, उसके बाद डालना टमाटो। मेरे पास है नहीं तो मैं डाल दूँ डायरेक्ट, ठीक है, बस इतना फ़र्क है। एक चीज़ डाल लेना, कैप्सिकम मंगवा लेना, मेरा बस कन्फ्यूज़न रह गया, मुझे लगा है और थी नहीं, मम्मी सामान ले आई थी बाज़ार से, कन्फ्यूज़न नहीं होता तो मेरे पास भी अभी होती, ठीक है। ये डाल दो, अभी इसमें डाल दो हल्का सा नमक, देखो हमने उसमें नमक डाला है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि नमक पहले डला हुआ है, एक सेकेंड, और थोड़ा सा नमक डाल दो ताकि टमाटर जल्दी पक जाए और फटाफट से सब्ज़ी भी बने हमारी। और फिर डाल दो अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। अगर पेस्ट नहीं है तो आप बना लो अपने घर पे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास, मैं तो ले आई हूँ मार्केट से, तो मैं तो ये डाल देती हूँ, इजी टू यूज़ हो गया है अब, वरना मुझे ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा टाइम अदरक लहसुन को पीसने में लगता है कुंडी सोटे पे, सबसे ज़्यादा टाइम। अब हम इसको ढक देंगे और पकाएंगे 5 से 6 मिनट, तब तक ये आराम से सॉफ्ट हो जाते हैं, 4 से 5 मिनट के बाद मिलेंगे। अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मुझे बोल रहे थे ना मैं नहीं बना सकती नहीं बना सकती, सीधा सीधा का सीधा रूम में गया वो, और उनको पता नहीं है कि मैं कुछ बना रही हूँ। सुनो आना जल्दी आओ, ये हो गया है मेरा टाइम 4 से 5 मिनट तक, आज पता नहीं बाहर से क्यों निकल रहा। यस, क्या ज्यादा टाइम क्या बोल के गए थे आप मुझे कि बहुत सुंदर लग रही है कटिंग कराने के बाद? नहीं, फिर तू वैसे ही सुंदर है। बताओ ना क्या बोल के थे मैं नहीं बना सकती पाव भाजी, ये देख लो वो खोलना मत, क्या मस्त लग रही है पाव भाजी, बढ़िया है पाव का है भाजी, ये रखे 7 पैकेट तुम हटा दे, इतने पाव खा जाना आज, सोची नहीं पाव खा जाएंगे, इतने पाव खा दे कि सोची नहीं होगी। सुनो, आपको आपको विश्वास हो गया मैं बना सकती हूँ? ठीक है, क्या है ये तो भाजी है, ये तो मिक्सर है। मसाले तो मसाले तो इसमें, हाँ क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च नहीं थी ना, बढ़िया खुशबू आ रही है, मसाले भी डाले, सिर्फ पता क्या डाला है, अदरक लहसुन और सिर्फ नमक टमाटर तो प्याज, ठीक है उगाड़ना, हो गए 5 मिनट उगाड़ दें। हाँ इसको हटा दो, ठीक है बहुत ज्यादा थिक पेस्ट है, नहीं इसको मैं मैश करूंगी ना, काश मैशर होता, बस मैश की कमी है, और शिमला मिर्च भूल गई मैं, अरे मुझे लगा घर पे है पर मम्मी ने बना ली ना मेरे पीछे से, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अगली बार डाल लेंगे, एक बार अच्छी बनी तो डाल लेंगे अगली बार, अब पकड़ना आए गए तो मैं मसाले डाल दूं, डाल के दिखा। तो आपको ना इस वाले में सिर्फ 2 से 3 वो चाहिए क्या मसाले, सबसे पहले हम डालेंगे पाव भाजी मसाला, एक बार स्पून देना मुझे वहां से, ठीक है। तो पाव भाजी में अगर पाव भाजी मसाला नहीं है तो टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा, तो 1 टीस्पून एंड 2, क्योंकि हमारा जो वो है ना, देख लो ये आलू, ये भर भर के, देखो ये आलू ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसलिए हमें डाला भर भर के पाव भाजी मसाला। और अब हम डालेंगे इसमें लाल मिर्च, हल्दी, पुदीना, नींबू, फिर इसका नींबू का अचार बना देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि हमारी जो ये है ना ये रेड नहीं है, क्योंकि मैं चकुंदर नहीं लाए हम, तो वो रेड नहीं है, इसलिए रेड करने के लिए हम क्या डालेंगे, कलर, कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर देगी, एकदम रेड कर देगी, ये सिर्फ कलर के लिए होती है, तीखी नहीं होती, नहीं मैं नहीं मैं, तो ये डालेंगे 1/2 टीस्पून, ज्यादा नहीं, हाफ डाल दी, अरे तो तुम नहीं जगह कलर है ना, कौन कौन सा, लाल मिर्च और लाल मिर्च। चलो कुछ तो फर्क है ना, कौन केला, नहीं बाल कटवा के लग रहा है मुझे तो फर्क, अरे मैं मर ही नहीं जावा, हाय मेरी जुल्फी, जुल्फिकार, जुल्फिकार भुट्टो, एक बार लगाऊंगी मैं वो, क्या तो इसमें बनती है ना हमेशा बड़ी तवे बनती है ना पाव भाजी, हां बटर डाल के और मस्त लगा दूंगी, पुदीना मम्मी लाई है, हाँ मम्मी बोली बाजार में मिला नहीं धनिया,
तो अगर पुदीना डालूंगी तो ज़्यादा टेस्ट नहीं आएगा, इसलिए मैं तड़का लगाऊंगी मस्त पाव पे। और पता है किसमें दूंगी आपको? प्लेट में। इसमें ये भंडारी उठा के लाए थे। पाव भाजी की होती है, हम जाते हैं बाहर तो यही मिलता है पाव भाजी। अच्छा, हम जी भंडारे बाजार में आते मिल रहा है। अच्छा, हम उड़े तेरे कार भाई हॉस्टल लेके जा रहा है। अच्छा सही है, बस हो गया ना ये सॉफ्ट, थोड़ा मसाला पकते ही हम डाल देंगे आलू का सारा मिक्सचर इसके अंदर। चलो मैं रिश्ते खा लूँगा। अच्छा इतनी टेस्टी, कुछ भी देख रहे हो आप? नहीं मैं स्मेल कर रहा हूँ। गधी, ये मेरी गधी डोंकी की वाइफ। नहीं नहीं यार। अच्छा नहीं चाचा, अपने भी नहीं। नहीं चाचा, डोंकी ठीक है, तू डोंकनी है तू। ये अब देखो आपने बार, अब ये जूस कर लेंगे तो उसको वापस रख देंगे, फिर वहां पे रख देंगे उसको। सुनो, आपने बार कटवा लिया इसलिए मैंने भी कटवा लिया। अच्छा, आपको कंपनी देने के लिए मेरे जैसे कटवा फिर क्यों? कंपनी देने ले, ये लो पानी पी लो। पानी पियोगे? नहीं पीना मुझे। जिम में पानी मिलता है क्या? ये बड़े लाल बेबे, ठीक है, ये है हमारा मिक्सचर। आ जाएगा क्या सारा? इससे बड़े तो मतलब भी ना है, इससे बड़ी तो कढ़ाई थी, कढ़ाई में कैसे डालती मैं? आज मैंने बोला इससे तो पिससे भी नहीं हो ये। हाँ मैं दूसरे, मैं हो जाऊं ग्रैंड कर दूं मम्मी को बुला के। ग्रैंड करे भाई, वो अलग चीज हो जाएगी। रे पाव भाजी में कभी दिखता है आपको कुछ भी? हमेशा बिल्कुल मैश होता है। हाँ तो मैश करना फिर, इससे नहीं होगा नहीं ना, तो इससे करो। वो ले लो चम्मच, नहीं है जो सब्जी वाली उस तक सब्जी में मची है। हां इसे कर, इसे करके देख। It's okay. इसको रोक दे थोड़ी देर में। क्या? वीडियो रोक दो। मैश कर दिया। मैंने ना काफी सारा मैश कर दिया है, और जो थोड़ा बहुत बचेगा ना हम इसको भी करेंगे ना हल्का हल्का मैश। मैशर भी चाहिए भाई, बनाइए तब पता चलता है ना, जब बनाते हैं तो पता चलता है क्या किस चीज चाहिए, बिना बनाए पता नहीं चलता कि हमें क्या किस चीज चाहिए। थोड़ा बहुत दर्द होता है लगने के बाद, मैंने बस इससे कर दिया है, बाकी जो बचेगा मैं फिर कर दूंगी। ठीक है, अभी मुझे नहीं लग रहा कि सावा इसमें आएगा क्योंकि कढ़ाई है छोटी। यस, बड़ी वाली ले लेती हूं। बड़ी वाली कढ़ाई कौन सी है? वो मैं बाद में धोई है, पहले मैंने ये लगा दिया। चम्मच से डाल ले। ठीक है, एकदम आ जाएगी। पहले थोड़ी सी मिलाते हैं फिर और मिला दे। ना गिरा रहने दे, एकदम ठीक है। नरम तो भूख लगी बहुत तेज। कोई बात नहीं, मैं बहुत अच्छा बना के दूंगी आपको। अभी हम मिक्स कर लेंगे पूरी को अच्छे तरीके से। अगर आपको फिर लगे कि नमक कम है तो आप अपना कर लेना भाई, स्वाद अनुसार ज्यादा कर लेना। हम तो ज्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ तो तीखा ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, तो मैं तो ज्यादा ही डालती हूँ स्वाद अनुसार। देख लो, आपको लग रहा है मैश करने की जरूरत है ये? नहीं, क्योंकि यार पता क्या है, क्या तो थोड़ा बहुत घर में एडजस्ट कर लेते हैं। तो लड़की वाली कटिंग वो करवा दी, क्योंकि मैं आपको कंपनी में चाहती हूँ। कौन सी कंपनी दी होगी तुम? दोनों बाल कटवा के घूमेंगे ना। अच्छा, मैं तो कोई कंपनी नाम करवाऊंगी मेरे। मां मेरे पीछे तने कंपनी खोल लियो अपनी, जैसे तेरी कंपनी का नाम है डैश 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 टू डैश, है ना? हाँ बता देना। नहीं कुछ काम छुपा हुआ ही अच्छा है, सब कुछ नहीं बता सकते हम पब्लिकली। देखो हल्की रेड हो गई है, अब अगर जरूरत लग रही हो तो थोड़ी सी मैं डालूंगी, तड़का लगाऊंगी मैं एक बार और कश्मीरी लाल मिर्च का, उसमें बिल्कुल रेड हो जाएगी ये। थोड़ा करिए उसको। हाँ हो जाएगी, सो बढ़िया लग रही है। बस अगर वो होता ना मैश, थोड़ा सा ऐसे मीच देते इससे कर देना फिर ना यार, कोमल टूट जाएगा। वो टूट जाएगा? हाँ वो ले लेना चम्मच। अरे वो इस ऐसी कढ़ाई में वो यूज नहीं करेगी। क्या दिखा रहा हूँ? ठीक है तो मैं इसको कर ली। अब इसमें क्या बचा है? ये हो गया। अब इसमें ओके गाइस, तो देखो ये बिल्कुल फुल भर गया है ना, मैंने जितने आलू सब डाल दिए और अच्छे से मैश भी हो गया सारा। अब देखो थोड़ा थिक लग रहा है ना, अगर आपका भी इतना गाढ़ा गाढ़ा लगे, क्योंकि आलू में जो हमने आलू उबाले थे सिटी लगाई थी उसमें हमने जितने हमारी सब्जी थी आधा पानी लिया था। तो अब क्या करना, इसमें ठंडा पानी कम डालना, गर्म ही है तो गर्म ही पानी डालना। तो मैं इसमें एक कप पानी डालूंगी स्लो स्लो और मिलाती रहूंगी, उसके बाद ढक के 2 से 3 मिनट पका दूंगी। देन लास्ट में बस दो चीज़ रह गई और सब हो गया। कलरिंग के लिए मैं थोड़ा सा बाद में करूंगी, अभी मुझे वैसे तो सही लग रहा है कलर, बट ज़्यादा आपको लाल चाहिए तो मैं तड़का लगाऊंगी, मैं बोल रही हूँ ना बाद में, मैं उसमें डाल दूंगी थोड़ा सा और कलर, उससे क्या होगा बढ़िया कलर आ जाएगा। तो मैं ऐसे हल्के हल्के हाथ से पानी मिक्स करूंगी, मेरी ये कढ़ाई छोटी है, सामान ज़्यादा हो गया,
मैंने सोचा कि आ जाएगा इसमें, बट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पानी और रह गया, मैं मिला देती हूँ, फिर ढक दूंगी और पकाऊंगी 2 से 3 मिनट। ओके, सारा पानी मिक्स मैंने कर दिया है, ठीक है, स्लो स्लो अब ढक देंगे और हाई फ्लेम पे 2 से 4 मिनट तक बढ़िया पका लेंगे। ओके गाइस, वैसे जगह तो नहीं है कुछ भी डालने की, बट फिर मैं डालूंगी। देखो लास्ट में पाव भाजी में बटर के बिना तो मज़ा आता ही। मैंने भर दिया है इसमें पाव भाजी की 2 बड़ी बड़ी स्लाइस, एंड इसमें आप डाल सकते हो धनिया, ठीक है, बट धनिया मेरे पास है नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं डाल लेती हूँ कसोई मेथी, वरना मेरे पास बदमा में देख पुदीना लाई हुआ रखा दुनिया भर का, बट धनिया नहीं आज। कोई कोई बात नहीं, देखो हमारे घर को सिनेमा हॉल बना रखा है बाहर, कितनी टेस्टी भी चला रखा है इन लोगों ने बिल्कुल ही। और ये देखो अब हम डाल देंगे और बस इसको ढकेंगे 10 से 15 सेकंड के लिए। ये हो गई घर की, ठीक है, लेकिन बाहर जब आप पाव भाजी खाते हो, थोड़ी सी मैंने आलू रखी है अभी, ज़्यादा नहीं, क्या बंद कर दिया है हॉल, बंद हो गया हमारा, ढक देते हैं, ठीक है, और अपने आप 10 मिनट बाद जो कसूरी मेथी का और बटर का फ्लेवर है वो सब्जी में अपने आप आ जाएगा। गुलाबी हो रही है, क्या बात हो रही है, ऊपर तो नीचे की है, फिर ऊपर तो नीचे के लिए गुलाबी क्यों हो रही है, यहाँ पे तैयार हो गया है सब कुछ। देखो अगर हम घर की बनाते हैं तो क्या करते हैं, ये वाली सब्जी डालते हैं बाउल में और शुरू हो जाते हैं, पर बाहर हमने क्या देखा है, हमेशा भाजी बीच में साइड में पाव। नहीं मैंने तूने देखा होगा, शादी में जाते हैं तो खाते नहीं ऐसे, हाँ हाँ, तो हम लगाएंगे एक बार और तड़का, ठीक है, जैसे कि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ तड़का लगाएंगे तो लगा देना जी। तो इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा बटर, कसूरी मेथी कहाँ गई, ये जल जाएगा, फिर फटाफट करना है हमें सब कुछ स्लो में, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा ऑयल, और क्योंकि मैंने वहाँ पे कश्मीरी मिर्च कम रखी कलर के लिए, थोड़ी सी मिर्च थोड़ी आई है भाई, और थोड़ी सी लास्ट में धनिया है तो डाल लो, और नहीं है तो कश्मीरी मिर्च कसूरी मेथी से काम चला लो क्या है कसूरी मेथी, देना मम्मी एक आदमी के लिए इतनी बहुत है, ठीक है। अब जो हमारी सब्जी थी, सॉरी ये एक बंदे के लिए, इतना ज्यादा बंदे के लिए करना, ज्यादा कर लेना, ठीक है, ठीक है, कर लूंगा पापा आपके लिए इतनी और ले लेना जब जरूरत पड़े, ठीक है, मैं मना तो कर पापा तो गए, मम्मी थोड़ी आवाज दे कर लेगा। इसमें देखो मक्खन का ज्यादा और टेस्ट, हाँ पैड हो गया ना, स्मेल आई अच्छी अच्छी, आ गया नहीं बताएगा, अब इसके अंदर भरेगी है वो, नहीं नहीं फिर वो तो सुबह आप बोलोगे तो लंच में दे दूंगी, ना 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 लंच में नहीं, अभी खा लूंगा सब कुछ, अंदर नहीं करूंगी, आप मक्खन इतना बिना बिना मक्खन के पाव भाजी, मुझे तो ऐसा लगता है इतना मक्खन डाल दूं ना मैं, इतना मक्खन ही मक्खन कर दूं, अच्छा अब थोड़ा कलर चेंज हुआ, ये वाली शायद नहीं, इसके थोड़ा लेट हो रहा है थोड़ा, अरे बहुत है रेड कलर हो गया ना, अब तो मैंने कलर तो के कड़ा हम दिखानी है, ठीक है, और हम वहाँ बैठ के खाओ, बस मम्मी थैंक यू, अभी नहीं मिलेगी फिर 2 मिनट और, अरे यार जल्दी दे दे, और सीखना ये सही है, सही है, घी में ना सीख जाएगी, बटर में ज्यादा मजा आता है,
ये किसने कह दिया? मैं बोल रही हूँ ये बात। ठीक है, कौन शेफ की बात है? आपको नंबर आएगा मैं पूछूंगी? नहीं फिर मैं लग क्या रहा था जो तुझको पूछी थी। ये देख लो लग गया ना यहाँ बटर। ठीक है चार लग रहे थे। मक्खन इस पे मक्खन की कमी नहीं है हमारे पास। मक्खन बहुत है हमारे पास। इन्हें पहला फैल तो लेने दे। लो सब चीज़ देख पाओगे। अब हो जाएंगे ब्राउन हल्के हल्के। फिर स्टार्ट करेंगे खाना। पता है मैं सब्जी क्यों लगा रही हूँ? सब्जी से वो टेस्ट आएगा भाई। ठीक है। वैसे इतना नहीं आएगा। ठीक है अब दिखाती हूँ प्लेटिंग करके बंद कर दो। तो ये बन गया है हमारा और हो गई है प्लेटिंग। यहाँ रख लेती हूँ और रिव्यू देना है। ठीक है ना, पहली बार बनाई है मैंने शादी के बाद। ठीक है, खाई तो बहुत बार है ना। हाँ शादी के बाद खाई तो बहुत बार। मम्मी आप लेके जाना। ठीक है ये लो, पापा को बोल दो कि कैमरा आ रहा है। कैमरा आ रहा है भाई। रुको मक्खन रह गया वो आ। किस में? पापा में। अरे इस पर। अरे इस पर क्या करोगे ना मक्खन का? सुन और जितना नहीं ना लेट हो जा फिर ही तो आप ही लोगे। मेरी मम्मी ने कहा क्या बोलूं? हाँ जो बैठ जो ये पंखा क्यों बंद करती है? सही है नींबू क्या धीरे धीरे पिंगला बताओ भाई। होटल रेस्टोरेंट पहले है सब्जी का टेस्ट उमदा नहीं बढ़िया उमदा बड़ी स्वाद है ना। पहली बार बनाई है भाई। फाइव स्टार रेटिंग है तेरी। पांच मत पांच तेरे रेस्टोरेंट की। कितने स्टार दोगे? हाँ बढ़िया है उम्र आठ। पांच में तो आठ स्टार दे दिए कोमल। तो ये बन रहे हैं हमारे बढ़िया जबरदस्त एकदम पाव। तो जो लास्ट में तड़का लगाया ना सब्जी का, मुझे लग रहा है उससे बहुत ज़्यादा फ्लेवर इन्हेंस हुआ है। मुझे खुद ऐसा पर्सनली लग रहा है क्योंकि उसमें मैंने दोबारा ऑयल डाला, घी डाला, थोड़ी सी सब्जी डाली तो उससे ज़्यादा इन्हेंस हुआ। अगर आपको नमक कम लग रहा हो ना सब्जी में तो इस यहाँ डाल देना, इस वाले उसमें वहाँ मत डालना, तो इससे ब्राउन हो जाएगा। अभी मैंने ऑयल से अच्छे से कर रही हूँ, ब्राउन हो जाएगा फिर और लोगों को भी दे देते हैं, सबको, मम्मी को, मैं, हिमांशु, सब ले लेंगे फिर। यो पाया है किसे लग गए? मतलब कैसा स्वाद? पहली बारी के साथ ठीक स्वाद बहुत अच्छे। मतलब जो वे रेडी वाले रेस्टोरेंट वाले रखे हैं
उनका भी बढ़िया एक नंबर। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया, बहुत मजा आया। सो ये है मेरी प्लेट, मैंने लस्सी भी लिया है भाई, घर पे लस्सी थी और लस्सी के बिना तो कैसे खाए। बढ़िया सा मक्खन की स्लाइस और प्याज, इसमें मैंने नींबू अचार डाल दिया है। और ये है मेरी पाव, अब मैं दूंगी रिव्यू, चलते हैं अंदर। ओके, सो मैं टेस्ट कर रही अपनी सब्जी, मुझे ऐसे ना देखने से लग रही है जैसा इन सब ने बोला है कि भाई है कुछ, मतलब पता क्या, देखो मैंने पता है ना क्या डाला था, सिर्फ पाव भाजी मसाले का जो टेस्ट आया। हाँ। और ये ब्रेड मैंने कुछ ऐसे की है और कुछ ऐसे टोस्ट वाले की है, तो टोस्ट वाले से खा के देखते हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ मिलेगी अनलिमिटेड पाव भाजी और अनलिमिटेड ब्रेड। 80 में दो ब्रेड नहीं मिलेंगे, 80 के तो चार पैकेट ले आए। अच्छा रहे, सही है सही है। तो सब्जी, और मैंने पता है आपने डाला था नींबू अपनी उसमें या अनियन? और एक नंबर लग गया था, सजा देते इसको, डाल के जितना मुंह खोल सकते हो। गोलगप्पे जितना ना खुला। हाँ एंकर है मेरी मम्मी, आप से लो। सही बता है, बेस्ट है, ठीक है। देखिए तो शेफ बना दी मैंने, तो ऐड ले के जरने तो कुछ बनाना नहीं आता तेन, रोटी भी मुझे करना है तो देख ले भाई, मैं तो ऐसा ही करूं। मम्मी ने काम ही नहीं कराया, मैंने लवाई इधर बिठा दी, दिया कि मैंने बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, प्लीज आप लोग ट्राई करना तो मुझे बताना। और मैंने अभी रिसेंटली इटालियन कुजीन देखी है। अरे बाकी देख लो बस इतने से। अरे दिखा रहा हूँ ना, बस इतने से लाई अपने लिए, बेचारी सबके लिए बनाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है बस, फिर ये इतना खा देगी। अच्छा अच्छा, खा लूंगा ना साथ में लेके, सुबह आपको लंच पे दूं, मैम को चखाना अपनी सारी मैडम आपकी फैन रहेंगी। अरे मैं लेकर चला जाऊं, पर ना दिक्कत है क्योंकि वहाँ गर्म करने के लिए नहीं है। नहीं, जिस जैसे आप पहुंचोगे आप 10 मिनट में जाते, पहले जाते ना हो यार, जाते पहले खिलाओ। ना 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 जाते नहीं होता, नहीं मैं फिर दूंगी फॉइल में। चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस भाई खा लेने दो। बहुत बढ़िया, बहुत मुझे खुद नहीं लग रहा मैंने इतनी अच्छी बनाई है। और जो नींबू का टेस्ट है ना इसमें, नींबू और प्याज का और जो मक्खन का, हाँ बहुत बहुत लाजवाब लग रहा है। तो आप अपने घर में ट्राई करो, तो मुझे प्लीज बताना कि कैसे बनी, फोटो वोटो भेजना मुझे, ठीक है। और मैं अब नेक्स्ट बनाऊंगी इटालियन कुजीन, इटालियन पिज्जा कुजीन। कुजीन क्या होता है? मैंने आज देखा था इटालियन कुजीन, ठीक है। बस सामान ले आऊंगा फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है ठीक है, डन है। ओके खा ले, मुंह खोल के देखना, सारा जितना भी है सारा लेना पड़ेगा। ओके ओके गाइस, PUBG टाइम देख ली ना, चल खा ले। सो ओके गाइस, टाइम टू से गुड नाइट। आपको पता है कि मतलब मैं थोड़ा फ्रेश होके मिली हूँ, मैं एकदम स्किन केयर कर लिया है, नहा ली हूँ। रात को टाइम एग्जैक्ट 11:50 और अभी मैं आई हूँ क्योंकि मैं बोला पबजी खेल लो, मैं वॉशरूम साफ करके आई हूँ, मुझे बहुत टाइम लग गया क्योंकि यार ना सुबह टाइम नहीं मिलता ये सब करने का, इसलिए मैं मायके से आई थी तो मैं मुझे पता था मैं आऊँ तो दो तीन दिन में ये कर देंगे खराब, इसलिए मैं सारा वॉश करके आ गई। अब मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ, अब ठीक है, अब एक हफ्ता मुझे फ्री मिल जाएगा। सो आज का ब्लॉग कर दें यहीं ख़त्म। मैंने सिर्फ आज का ब्लॉग स्टार्ट किया था पाव भाजी के लिए और बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा ही आ गया मुझे तो खा के। सो गुड नाइट गाइस, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, गुड नाइट।